राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष व पश्चिमी हलके के विधायक डॉ. राजकुमार वेरका ने कहा कि अमृतसर के व्यापारियों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली हार का बदला ले रहे हैं। जेटली के इशारे पर आयकर विभाग के द्वारा छापे मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री 31 तारीख तक टैक्स भरने को लेकर धमका रहे हैं। क्या यही PM की भाषा होती है? पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत है। पंजाब दे विच बीमारियां ते डेंगू का प्रकोप है और खास करके अमृतसर शहर दे विच इनकम टैक्स के रेट, सेल टैक्स के रेट, बिजली वाले दे रेट और तमाम तरह के नाल शहर के व्यापारियों ते कारखानेदारों परेशान किया जा रहा है। अरुण जेटली जी अपनी हार का बदला अमृतसर के लोगों को लेना चाहते हैं और मैं एक गल की चेतावनी देना चाहता कि पंजाब की कांग्रेस आराम ना नहीं बैठेगी और ये सिलसिला धरनिया का मुजाहरिया का 2 अक्तूबर को अमृतसर के हलका वैश तो 20 से 25 हज़ार लोग सड़कों पर उतरेंगे इस बुराइयों के खिलाफ, क्योंकि आज डेंगू ना लोग मर रहे हैं, गंदे पानी ना लोग मर रहे हैं और ये सरकार कुंभकर्ण की नींद नाल सुती हुई है। अमृतसर से जाट TV न्यूज़ के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।